जो लोग भी इसको लेकर के कुछ लोगों का हम सुन रहे थे कि बड़ा भारी आपत्ति है, बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, अरे भाई अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से तो बोल दीजिए मोदी जी को, मोदी जी भारत सरकार करा दे, पता चल जाएगा। और मान लीजिए अगर लोग कह रहे हैं कि यादवों का बढ़ा दिया गया तो भाई 31 में जो हुआ था आखिरी, तो उसमें यादवों की क्या आबादी थी? 11% आबादी थी। और बिहार, उड़ीसा, ये झारखंड जो है एक राज्य था, और सबसे ज्यादा आबादी यादवों की इन सभी राज्यों में से बिहार में, तो स्वाभाविक रूप से बढ़ा। अगर हमको घटाना बढ़ाना है, अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपनी जात का नहीं बढ़ा लिए होते। तो ये बेकार की जो बातें जो कुछ लोग कहते हैं, ये बकवास करते हैं केवल। और क्योंकि यही लोग जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, यही जो है कितना भारी मुसीबत पैदा किया इन लोगों ने। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि सर्वे हो, कोर्ट के जरिए हो, या हर तरीके से डिले जो हुआ उसी का नतीजा है जो ये लोग आज भाषण दे रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया है, जो रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया है, साइंटिफिक डेटा बिहार के पास आया है, उस हिसाब से आगे की योजनाएं जो है हम लोग जो है बनाएंगे। नड्डा जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, पिछले बार भी बोले थे इसका गठबंधन टूट गया था, क्या वजह है, क्या करना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे? अरे खत्म कर देंगे तो गुंडा वाला भाषा है, खत्म कर देंगे ये तो भाषा देख लीजिए। अरे किसकी क्या औकात है, किसको क्या खत्म करेगा भाई? स्टेट है तब ना सेंटर है, राज्य है तब ना केंद्र है, और रीजनल पार्टी अपने रीजन की बात, अपने स्टेट की बात प्रमुखता से उठाती है। जितना रीजनल पार्टी को पता है बिहार के बारे में हम लोगों को, उतना क्या नड्डा जी या मोदी जी को पता होगा? तो ये सब बकवास करने वाला बात करता है।